आरसीआई एजुकेशन हर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने कल संज्ञा पढ़ ली थी, संज्ञा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, कि सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, कि भाई जहाँ पे संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर अगर हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। इसी प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, की पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग होता है उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, बात कहने वाला जो बात कह रहा है वो कहने वाला, जैसे मैं हूँ, अब मैं बात कह रही हूँ, मैं कहने वाली, आप सुनने वाले, हर हम जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि जो कहने वाले के नाम के स्थान पर, सुनने वाले के नाम के स्थान पर और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम होता क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम जो व्यक्ति कहता है, जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, या वक्ता जिसको हम वक्ता कहते हैं, जो बोल रहा है, उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग कहने वाले या वक्ता के नाम के स्थान पर किया जाए पर होता हो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष जो बात कह रहा है, यानी कि कह रहा है, जो बोल रहा है, बोलने वाला जो व्यक्ति है, तो वो खुद के नाम के स्थान पर कौन से वर्डों का उपयोग करेगा? मैं। अगर वो अकेला है, एक व्यक्ति है, एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो वो खुद के नाम के स्थान पर किसका भी वो बोल रहा है,
अपनी बात कह रहा है, वो बोल रहा है, तो खुद के नाम के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करेगा? मैं। अगर एक से ज्यादा है तो हम सब आदि, ये कौन सी बातें हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग सुनने वाला, यानी कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है, सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाए तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सुनने वाला व्यक्ति है, उसके अगर नाम के स्थान पर हम जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करेंगे वो क्या हो सकता है? तुम, आप, आदि, ये कौन से सर्वनाम हो गए? मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया, अब तीसरा कौन बच गया? भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग जिसके बारे में भी बात की जाए उसके नाम के स्थान पर किया जाए, स्थान पर किया जाए तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने वाला जो बोल रहा है वो मैं, हम सब हो गए, सुनने वाले कौन हो गए? भी तुम, आप, तुम सब, ठीक है, तुम, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन हो गया? जैसे वह, यह, वे सब, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। आगे जो हमारे पांच और एक ही हुआ है अभी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद ये हो गए, और आगे हम जो हमारे पांच सर्वनाम और बच रहे हैं उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।